करने के लिए अंदर जाने के लिए हम लोगों के लिए काफी सहूलियत मिलती रहेगी। तो कहीं ना कहीं देखें आप लोगों में इसको लेकर के खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर जो मॉडल को देखने के लिए आया हमसे बातचीत करेंगे सर। जिस तरीके से देखिए टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो बनारस सबसे पहली प्राथमिकता है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, यहाँ बड़ी संख्या में अन्य प्रदेश के लोग, इवन विदेश के लोग भी आ रहे हैं। और बनारस में जो डेवलपमेंट हुआ है, बनारस में जो पर्यटन की दृष्टि से डेवलपमेंट हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप बात करते हैं तो बड़ी संख्या में टूरिस्ट हैं। यहाँ पर होटलों की संख्या बढ़ी है, यहाँ पर घाट बढ़े हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर मंदिर कॉरिडोर बनने के बाद बहुत बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं। इन सब को देखते हुए अगर आप बात करें तो बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट है, और इस साल विगत वर्ष की तुलना में भी कहीं ज़्यादा टूरिस्ट है, और उम्मीद करते हैं कि ये धीरे धीरे और ही बढ़ता जाएगा। देखिए टूरिज़्म पॉलिसी जो 2022 आई, उसमें पर्यटन नीति के तहत बहुत सारे होटलों को जिसमें हम सब्सिडी की भी व्यवस्था किए हैं, और ये कैबिनेट सचिवों की पॉलिसी बनी है। तो इसके आने के पश्चात करीब 200 के आसपास छोटे बड़े होटलों ने पंजीकरण कराया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बड़ी संख्या में पेइंग गेस्ट और धर्मशालाएँ हैं, और होटलों में 5-स्टार होटल भी कई आ रहे हैं, और इनका पंजीकरण यहाँ सर्टिफिकेट इशू हुआ है। इन्होंने अपने काम भी शुरू किए हैं। आने वाले 4 से 5 साल में 8 से 10 5-स्टार होटल भी आपको देखने को मिलेंगे, और छोटे बड़े होटलों को अगर संख्या में आप देखें तो बहुत बड़ी संख्या है, और ये धीरे धीरे होटलों और लॉज बढ़ते ही जा रहे हैं। आने वाले टूरिस्ट को एक सुविधा अच्छी मिल सके, ये पर्यटन विभाग का मुख्य उद्देश्य है, और इसी को ध्यान रखते हुए हमने पेइंग गेस्ट पंजीकरण किए हैं। बहुत सारे नए होटल्स को अनुमति दी गई है, बहुत सारे नए होटल्स ने अपना काम स्टार्ट किया है, और बढ़ी हुई संख्या को देखते हुए आज होटलों और लॉज और पेइंग गेस्ट ये सभी बहुत अच्छी संख्या में हो गए हैं, और लोगों को एक सुविधा प्राप्त हो रही है। देखिए जैसे आप आंकड़ों की बात करें तो घरेलू पर्यटक में यानी डोमेस्टिक टूरिस्ट में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। इंडिया में पहले ये तमिलनाडु हुआ करता था, आज की डेट में करीब पिछले 5 सालों से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, और इसमें सबसे बड़ा श्रेय बनारस और अयोध्या का है। और आने वाले टूरिस्ट की संख्या की अगर बात करें तो विगत वर्ष करीब 10 से 12 लाख टूरिस्ट थे, इस बार करीब 16 से 17 लाख टूरिस्ट वर्ष में हो सकते हैं, जिसमें अन्य प्रदेश के भी टूरिस्ट हैं, विदेशी भी टूरिस्ट भी हैं, और स्टेट के भी टूरिस्ट हैं। भारत देश की ये जो सांस्कृतिक राजधानी काशी है, उसका जीर्णोद्धार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के काशी से सांसद बनने के बाद से स्टार्ट हुआ, और लगातार 2024 तक आज तक हम लोग देखते आ रहे हैं कि पूरे काशी में जितनी भी गलियां हैं, सड़कें हैं, और यहाँ पौराणिक स्थल तमाम सारे हैं, और उनका जीर्णोद्धार करने का कार्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया है। और इस प्रकार से जिस सांसदीय क्षेत्र का सांसद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उस क्षेत्र का विकास होना लाजमी है, और उन्होंने काशी के प्रत्येक पौराणिक स्थल, जो भी पुराने स्थल रहे हुए हैं, देश की संस्कृति का जो धरोहर के रूप में रहे हैं स्थल, उनका जीर्णोद्धार करने का कार्य किया है हुआ है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। और इस प्रकार से काशी की सारी गलियां जो कि चौड़ीकरण किया गया, और यहां की पार्किंग व्यवस्था भी की सुधारी गई है, और ट्रैफिक का भी सुविधा यहाँ उपलब्ध किया गया है। जब से आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी काशी से सांसद हुए 2014 के बाद से, उसके बाद आप देखेंगे काशी की सड़कें, काशी की हर एक समस्या जो थी वो सारी सुलझ गई। और उसके बाद जब हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ से सांसद हुए तो पूरी विश्व की एक नज़र
सबकी नज़र काशी पर आ गई और काशी विश्व में फिर से पुनः अपने राजधानी के रूप में उभरा है, सांस्कृतिक राजधानी के रूप में। इसके पहले की जितनी भी सरकारें थी वो कभी भी काशी पे ध्यान नहीं देती थी, जो कि यहाँ पे बाबा विश्वनाथ थे हमारे। उसके बाद जब हमारे प्रधानमंत्री जी आए तो काशी आज विश्व में ही नहीं, मुझे लगता है कि विश्व के सभी युवाओं के बीच में भी काशी का एक अलग महत्व हो गया है। जो सांस्कृतिक राजधानी है आज वो पुनः फिर से जागृत हो गई है काशी।